जे हमारा भाई कहीं इस लड़ाई में उस पाकिस्तानियों के फंडिंग के पीछे कहीं हमारा भाई कमज़ोर न पड़ जाए, इसलिए अपना इजहार प्रेम का कर रहे हैं। सोने का मोहर, अगर चांदी का मोहर प्रचलन होता तो उससे भी लोग तौलता, लेकिन आज जो है सिक्का से तौल करके लोगों ने अपना प्रेम का इजहार किया है। मैं इनको हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि ऐसे अपने प्रेम का इजहार किया है। अजहर मसूद फंडिंग कर रहा है सिवान में चुनाव लड़ाने के लिए हिना जी को, क्योंकि इन लोगों को यहाँ तो कायम करना है ना, पाकिस्तान का राज कायम करना है। पहले से भी इनके पति का संपर्क रहा है, विदेशी मुद्रा, विदेशी हथियार, विदेशी जो है सारे चीज़ इनके यहाँ वाकी टाकी नाइट विजन पकड़ाया है। देशद्रोह का मुकदमा भी चल रहा है इन पे, और इस तरह के जो कार्य में संलिप्त हैं, आज देखिए ना, गरीबों के दलितों के बस्ती में अब वहाँ से ला करके पाकिस्तान से फंड और बांटा जा रहा है, और ये हमारे हिंदू भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। इस उस धन के लालच में, लोभ में हमारे हिंदू भाई आने वाले नहीं हैं। गरीब हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे जो है चरित्रहीन नहीं हो सकते हमारे गरीब भाई। इसलिए हमारे भी लोग अब लगे हैं कि हम लोग भी कहीं से कमज़ोर ना हों और अपना प्रेम का इजहार लोग। विपक्षी कहते हैं कि मैं अपार जीत के साथ जीत रही हूँ, इस पे आप क्या कहते हैं? 23 तारीख को पता चल जाएगा। 23 तारीख को बोरिया बस्तर बांध करके पाकिस्तान भागना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब कुकर्मों का, पहले तो लगता था लोग, कुछ लोग डरते थे, लेकिन अब उनके पति देव का जो कुकर्म है उसको लोग माफ़ करने वाले नहीं हैं और गुमराह कर रहे हैं। हरिजन को गुमराह कर रहे हैं, ब्राह्मण को गुमराह कर रहे हैं, क्षत्रियों को गुमराह कर रहे हैं। अपराधी का नाम ले रहे हैं, जो परिवार, जो पिता है और अपनी माँ है, वो अपने बेटे का नाम उस अपराधी के नाम पर रखी हुई है। देखिए, उन लोगों की अपनी मनसा है। शहाबुद्दीन टेररिस्ट है, और उसकी पत्नी कहती हैं कि हमारे शहाबुद्दीन का ब्लड मेरे अंदर नहीं है। अब बताइए, और कहती है कि हम जीतेंगे तो हर घर में शहाबुद्दीन पैदा होगा। अब बताइए, एक शहाबुद्दीन से तो परेशान था पूरा सिवान, पूरा बिहार परेशान था, अब हर घर में उस शहाबुद्दीन पैदा करेगी, लेकिन शहाबुद्दीन साहब तो है नहीं, तो यहाँ पैदा कहाँ से होगा? अब न शहाबुद्दीन पैदा होंगे, ना उसामा पैदा होंगे। अब उसामा बिन लादेन पैदा कर दी हैं, अब तो सिवान के लोगों को चिंता बढ़ गया है कि पहले शहाबुद्दीन से परेशान थे, अब उसामा बिन लादेन से परेशान हो गए। वो टेररिस्ट है ना जी, उसामा बिन लादेन एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टेररिस्ट है, उसका नाम रखा है अपने बेटा को। अब समझ लीजिए उनकी मनसा क्या है, दुनिया पर राज करने की मनसा है कि मेरा बेटा उसामा बिन लादेन बनेगा, इस तरह की मनसा है। उसको कभी सिवान की जनता माफ नहीं करेगी। 23 मई के बाद क्या होगा उस परिवार को? 23 मई के दिन बोरिया बस्तर बांध करके और पाकिस्तान भागना पड़ेगा, दूसरा कोई यहाँ उपाय नहीं है। आपको जिससे प्रेम है, पाकिस्तानियों से प्रेम है, पाकिस्तान से प्रेम है, अजहर मसूद से प्रेम है, तो फिर पाकिस्तानी न जाना होगा, और नहीं जाने की व्यवस्था होगी तो हम लोग कर देंगे, पाकिस्तान भेजने का व्यवस्था कर देंगे। आपने बात कही कि 10 मई को पूरा सिवान भगवा में होगा, योगी आदित्यनाथ जी सिवान आ रहे हैं 10 मई को, क्या उस दिन क्या राम राज्य सिवान उस दिन से स्थापित हो जाएगा? निश्चित रूप से महाराज जी का, योगीराज जी का कार्यक्रम होने जा रहा है 10 तारीख को, उस दिन पूरा सिवान भगवा में होगा और राम राज की आगाज होगी सिवान में, और सिवान भी अयोध्या बनेगा उसी दिन से तय होगा। किन प्रखंडों में योगीनाथ जी का कार्यक्रम होगा? हुसैनगंज प्रखंड, सिर्फ हुसैनगंज में होगा।